सत श्रीकाल साथियों, सारे नूं प्यार भरी नमस्कार, सत श्रीकाल साथियों। अपने पंजाबी दा जिहड़े टॉपिक चल रहे है, सिलेबस चल रहे है, उस नूं होर अगे वधाउणे आ। अज अपना जो टॉपिक चल रहा सी साथियों, वह चल रहा सीगा स्वरां दे बारे। आपां स्वरां दा वर्गीकरण कर रहे सीगे, पिछे कुछ क्लासां नहीं लै पाया मैं, कोई ड्यूटी ड्यूटी तां लगी हुई है मेरी, ते अगे आपां हुण कंटीन्यूअस नूं होर करांगे। आपां स्वरां दे वर्गीकरण जो कर चुके हां, उस तों अगले स्वरां दे वर्गीकरण आपां पढ़दे हां। स्वरां दे वर्गीकरण साथियों आपां दो वर्गीकरण कर चुके हां इस तों पहलां। एक आपां स्वरां दा वर्गीकरण कीता सीगा समें दे आधार ते, जिस तों पहलां वीडियो सीगा, ते एक आपां उस तों बाद कीता सीगा, जो कीता सीगा वी मूंह कोल दी स्थिति दे आधार ते, कि मतलब किहड़े गुलाईदार है ते किहड़े अगुलाईदार है। मेरा यह उन्होंने सारे साथियों निवेदन है, जेडे नौवीं दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं के बच्चे है, उन्होंने खातर भी उपयोगी है, तो भी इस देख। उस तो अलावा जेडे मेरे रीट वाले साथी है, जो रीट की तैयारी करते, जिन्हों को विषय पंजाबी है, वह तो साथियों की जो उग्र सिंह सियाह के नाम तो चैनल है, वो प्लेलिस्ट जाके क्रमवार वीडियो देखने, अगे पिछे ना करो, क्रमवार एक स्थिति रखना पहले तो लैके क्रमवार, ते देखना ते पढ़ना है नहीं यार। रीट आने ने तो रस्ता नहीं करना है, आनंद लेना है इन्होंने चीजा का, उसको चंगी तरह तैयार करना है। जो उसके लिखते है तो उसके भी सोने के सुहागे वाली गल है, बहुत वधिया चंगी तैयारी करनी है। आप हम उस अगे चलते हैं स्वरा के तीजे वर्गीकरण के बारे। तीजा वर्गीकरण है साथी अपना तीसरा, कर रहे अपना टॉपिक है स्वरां दा वर्गीकरण। तीसरा तीसरा अपना आंदा है जीव दी जाई दे आधार ते, कल आधार ते जीव दी ऊंचाई दे आधार ते। ऊंचाई कहने का भाव कि जो स्वरां दा उच्चारण होवे उस समय मूह कोल दे विच जो जीव है, जो जीव है उसकी उचाई कितनी हैगी है। भी कुछ स्वरां दे उच्चारण दे समय जीव की उचाई घट हुंदी है, कुछ ते ज्यादा हुंदी है, उस दे आधार ते जिहड़ा स्वरां दा वर्गीकरण किया जाता है वह इस खंड दे विच किया जाता है। बड़ा ईजी जिहा आसान जिहा है। हुण आपां इहदे विच देखदे हां कि कुछ स्वरां दा जिहड़ा उच्चारण है वह उच्चारण मतलब जीव उन्होंने ज्यादा उच्ची रहिंदी हैगी है, तो आप उस नूं कहिंदे हैगे आ उच्चे स्वर। की कहिंदे आ? उच्चे स्वर। यह जिहड़े उच्चे स्वर है साथीओ, इन्हां नूं ही कह दिता जांदा है बंद स्वर। बंद स्वर कहने तों भाव कि भी वह स्वर है जिन्हों बोलते समय जीप उच्ची रहती है, लेकिन मूह की जी आकृति जी है वह लगभग बंद के समान होंगी है, है। मूह बंद नहीं होंगे लेकिन समान होंगे उसके, वह कहे कि स्वर होंगे साथियों। दो आते हैं, एक तो आती है बिहारी, एक आता है दलौंकण। कि एक तो आ गई बिहारी, एक आ गया दुलेंकण। एक कड़े है उच्चे स्वर जिन्हों बोलते समय जीभ की ऊंचाई ते होती है, इन्हों कहा जाता है बंद स्वर। एने विच ही कुछ स्वर बोलते समय जो आकृति हैगी है थोड़ी घट है, मतलब जीव थोड़ी ज्यादा उन्नी उच्ची नहीं आती, थोड़ी अद्धी उच्ची रही हैगी है, तो उसको कहा जाता है अद्धे उच्चे स्वर। अद्धे उच्चे स्वर, फिर आह शब्द जिहड़ा है की बन जूगा अद्धे
बंद स्वर भी अद्धे बंद स्वर हुण इहदे विच किहड़े किहड़े स्वर आ जाणगे जदों आपां जिस तरीके नाल आपां जदों पढ़ते हैगे आ मुक्ता कन्ना सियारी बिहारी ते इहदे विच ओह स्वर कि उन्हां तों लगभग एक स्टैप पिछला मतलब इहदे विच जे बिहारी है तां इहदे च आ जाओ साथियो सिहारी की आ जाऊगा सिहारी। सॉरी मार्कर थोड़ा परेशान करे। उस तो बाद है दूसरा इहदे विच ओह आ जाऊगा औकड़ कि आ जूगी औकड़ इहदे विच दो है एक तां सिहारी ते दूसरा औकड़। हुण इत्थे एक चीज ध्यान रखनी हैगी है कि आपां इस तरीके नाल याद हो जाणगे भी इहदे च वड्डी ई या वड्डा ऊ इस तरीके नाल बोलो छोटी ई या छोटा ऊ। लेकिन जदों परीक्षा दे विच प्रश्न आउंदा हैगा तां प्रश्न किस तरीके नाल आउंदा हैगा कि उच्चे स्वर हन थले ऑप्शन देते औकड़ दुलौकड़ ला दुला बिहारी दुलौकड़ इस तरीके नाल ते आपां नूं उस वक्त इन्हां दे आहा विक्रम याद होना चाहिए है। ठीक है ना। कहना भाव कि जेड़ा आपां नूं स्वरां दे जेड़े नाम हैगे आ मुक्ता कन्ना सियारी बिहारी औकड़ दलौकड़ ला दुलावा होड़ा ते करोड़ा ये भी आपां नूं याद होने चाहिए है क्योंकि होंदा की है जेड़े बच्चे थोड़ा जिहा नॉन पंजाबी परिवार नाल बिलोंग करदे गे उन्हां कोल लगभग उन्हां कोल भी पंजाबी हैगी है ते उन्हां नूं आहा जिहड़ा क्रम है थोड़ा जिहा औखा याद रहिंदा हैगा उन्हां नूं आ चीज चंगी तरह याद करनी है भी किहड़े किहड़े हैगे आ। ये अपने कोल सच होंदी है उच्चे स्वर या बंद स्वर ते आ हुंदे आ अद्धे उच्चे स्वर या अद्धे बंद स्वर। ये किन्ने हो गए अपने कोले साथियों दो ते आ भी किन्ने हैगे अपने कोले दो। ठीक है किन्ने हो गए जी चार। हुण आपां नूं पता है कि टोटल अपने कोले स्वर किन्ने हैगे है 10 किन्ने हैगे 10 बाकी किन्ने बच गए 6। हुण इस दे विच ही जीव दी ऊंचाई दे आधार दे विच ही इसका दूसरा वर्गीकरण हुंदा हैगा दूसरा जिहड़ा इहदा वर्गीकरण हुंदा साथियों ओह हुंदा हैगा जिहनूं कहिंदे आ नीवें स्वर जिन्हां नूं बोलदे समें जीभ दी स्थिति नीवी हुंदी हैगी है। इहनां नूं कहिंदे आ खुले स्वर। ਕਿਹੜੇ ਸਵਰ? ਖੁੱਲੇ ਸਵਰ। ਉਹ ਸੀਗੇ ਬੰਦ ਸਵਰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਅੱਧੀ ਨੀਵੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅੱਧੇ ਨੀਵੇਂ ਸਵਰ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ अद्धे खुले स्वर। नीवे स्वर अद्धे नीवे स्वर खुले स्वर ते अद्धे खुले स्वर। खुले कहने का भाव मुंह की स्थिति खुली हुई। हुण इहदे विच किहड़े किहड़े आ जांदे हैगे आ कन्ना ਸਿਆਰੀ ਬਿਆਰੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਔਕੜ ਤੇ ਦਲੌਕੜ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਸਵਰ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੁਲਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਨੋੜਾ। ਆ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਸਵਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੀ ਸਵਰ ਕੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨੀਵੇਂ ਸਵਰ ਮਤਲਬ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਜੀਭ ਨੀਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
खुले होंगे वो लगभग एक पहले जेड़े होंगे रखे जाते हैं नाम इन्हों के उसी तरीके याद रखने है मुक्ते तो बाद की होंगे है कन्ना ला तो बाद दुलावा ते होड़े तो बाद की होंगे है करोड़ा होड़े तो बाद है करोड़ा। मैं फिर तो रहूंगा मेरे जो रीट वाले साथी है जेडे कि रीट की तैयारी कर रहे हैं इन्होंने चीजा साजी घोट के पीनी है स्वर स्वर का वर्गीकरण व्यंजन व्यंजन का वर्गीकरण उस तो अलग व्याकरण हैगी है शिक्षण विधियां आधुनिक शिक्षण विधियां है मूल्यांकन है सीटेट का पैटर्न है सीसी पैटर्न वो जी चीजा जीजी आनी मैं करा सारिया एक एक करवाऊंगा कोशिश करूंगा कि सारा कुछ करावा मेरे कई साथियों का भी कमेंट आते कॉल आई है भी सर भी स्टार्ट किया सिलेबस सारा करवा लो मेरी भी कोशिश है कि सारा सिलेबस हो उस तो बाद आता है अद्धे नीवे सर अद्धे नीवे का मतलब तुम इन्हों तो एक एक कदम साथियों पिछे आ जाना है भी करना है तो इतने आप आ जाएंगे मुक्ते कास्ते मुक्ता दुलावा है इतने आप कास्ते जाएंगे लाभ कास्ते लाभ करोड़ा है इतने आप कास्ते जाएंगे साथियों होड़ा एज अपने को किन्ने हो गए तीन किन्ने हो गए तीन मतलब अद्धे जो नीवे स्वर है वो भी अपने को किन्ने है तीन हम देखो आप एक लाइन देने आप पिछे दस स्वर पढ़ते आए हैं मुक्ता कन्ना सिहारी बिहारी औकड़ दुलंकड़ ला दुलावा होड़ा ते कनोड़ा ए पढ़े आप हुण इहदे विचों आप आह जिहड़े सीगे चार इन्हां नूं आपां कदे च रखिया सीगा उच्चे स्वर ते अधे अधे उच्चे स्वर च मतलब ब्यारी ते दुलंकड़ आप उच्चे च देख ले आ एक कदम इन्हां तों पिछे हो गया आप इन्हां नूं अधे उच्चे च देख लिया सी ठीक है उस तों बाद आप आए नीवे ते नीवे ते आए तो आप नीवे ते आ गए कन्ने ते मतलब आ ते लेकिन जो अधे ते आए तो आप एक स्टेप पिछे हो गए उसी तरीके आप आस्ते आए थे नीवे ते दुलावे ते ते आप जो अधे नीवे ते आए तो आप इस तो एक स्टेप पिछे हो गए एक क्रम पिछे हो गए उसी तरीके आप इतने आए थे करोड़े ते करोड़े ते किहदे च नीवे च ते अधे नीवे खतर ते आउण खतर आप किसते ए तो एक कदम पिछे आ गए इन्हें इस तरीके याद रख लो ठीक है जी एक एक स्टेप पिछे ए साथियों स्वरां दा तीजा वर्गीकरण दो तीन बार इसमें देखोगे स्वाभाविक याद हो जाएगा उस तो बाद पढ़ते हैं स्वरां दा आप चौथा वर्गीकरण जुड़ेगा चौथा वर्गीकरण स्वरां दा चौथा वर्गीकरण साथियों जीव दी स्थिति दे आधार ते भी जीव दी स्थिति दे आधार ते जिहड़ा स्वरां दा वर्गीकरण किया जाता है उसने इहदे च रखा जाता है जीव दी स्थिति दा कहण दा भाव कि जिस तरीके नाल जीव है जीव दे विच किहड़े इहे जे स्वर हन जो उसके अगले पासे बोले जाते हैं ते किहड़े इहो जे स्वर हन जो उसके विचाले बोले जाते हैं ते किहड़े हन जो उसके पिछले पासे बोले जाते हैं उस तो अलावा हम इन वर्गीकरण करते आप पहला जिन्हों कहने आप
स्वर भी वो स्वर है जेड़े जीव की अगली थां तो बोले जाते हैं। दूसरा विचकारले स्वर ते तीसरे होंगे साथियों पिछले रे स्वर। कहे स्वर? पिछले रे स्वर भी अगले रे भावे इन्हों अगले स्वर लिख लो। विचकारले स्वर जेडे जीभ के विचाले बोले जाते हैं इन्हों भावे मध स्वर लिख लो। मध मतलब विचार का इस तरीके तीन भाग के वर्गीकरण किया जाता है। लेकिन इतने एक चीज थोड़ी जी ध्यान रखना कि इन थोड़ा हिंदी ना जोड़ना क्योंकि लगभग जी व्याकरण हैगी सेम चलती है लेकिन इतने थोड़ा स्थिति थोड़ी वक्री हैगी। वक्री होने का कहने का भाव कि जी पंजाबी की जी सुर है जी टून हैगी जी थोड़ी हिंदी तो थोड़ी अलग है। जिमें कि हिंदी च कहते घर पंजाबी कहते घर हिंदी कहते घोड़ा पंजाबी कहते घोड़ा मतलब ट्यूनिंग थोड़ी वक्री है खातर ए जो उच्चारण स्थान है वह भी थोड़ा वक्र है उस तो। लेकिन जो आप हिंदी की गल करते हैं हिंदी च की चीज होंगे गया कि अग्रस्वर मध्य स्वर पिछले को कहते हैं वस स्वर। हुण इहदे की चीज होंदा है इत्थे मध्य स्वर दे विच कल्ले हिंदी वाले ए नूं रख देंगे लेकिन अपने इत्थे की हैगा विचकारले स्वर दे विच मुक्ता दा आउंदा ही आउंदा है। मुक्ते दे नाल नाल कन्ना सिहारी इत्थों तक गल पहुंच जांदी हैगी है। बिहारी उस तों बाद अपने कोले अगले स्वर च चली जाती है मुक्ता कन्ना उस तो बाद सियारी बिहारी उस तो बाद अपने को इतने आता साथियों औकड़ ते दलौकड़ आ जाता अपने को पिछले स्वर के ठीक है। ला आती है अपने को अगले स्वर ते दुलाव भी कितने आए थे अपने को अगले स्वर मतलब जेडे जीते अगले पास बोले उस तो बाद साथियों होड़ा ते कनूड़ा ये अपने को आए थे पिछले स्वर के पिछले स्वर हुण ये आप जो प्राप्त होंगे है वह होंगे तीन ए आप जो प्राप्त होंगे वह होंगे साथियों चार पिछले जो प्राप्त होंगे है वह होंगे साथियों तीन स्वर। लेकिन जी इन तुम हिंदी मैच कर लिया हिंदी वाले की करते कि मध्य के एक ही मानते हैं लेकिन अपने को मध्य के मतलब विचकारले स्वरों के किन्ने साथियों चार है मुक्ता है कन्ना है सियारी है तो औंकड़ है। अगले दिन अपने को बिहारी है ला है दुलाव है पिछले दिन अपने को आह तिन है ठीक है। हुण ये अंतर की रह जाते हैं छोटी ई वड्डी ई ए एनक ए एडी ठीक है। पस दे विच ए लै लेंदे गया छोटा ऊ वड्डा ऊ ओ ओखली ओ औरत ते उस तो अलावा एक अंग्रेजी वाले बोलने खातर आदित ए लगने मतलब ए अंतर है गया थोड़ा जा उस चीज ध्यान रखना अंतर उ है कि जो विचकारले मध वाले ना वो अंतर है जेडे है इधर एक है अपने को इधर चार है चारा के जो वर्गीकरण होकर जो उत्ते एक थले चला जाता है वह थोड़ा अलग तो ध्यान रखना है। यह है साथियों अपना जीव की स्थिति के आधार पर दा वर्गीकरण ठीक है। इतने अपने सत्य स्वर पूरे होंगे गए तो मैं एक छोटा जि टॉपिक होर करा दिना है ठीक है ना। अभी टाइम हजे है अपने को वड्डा टॉपिक नहीं छेड़ते कोई
छोटा टॉपिक यही है कि आप अमूमन एक चीज पढ़ते हैं कि पंजाबी दी जिवें धुनिया है, धुनिया कि नहीं अपने कोले 41 भी पंजाबी दिया कुल धुनिया अपना उत्तर आ जाता है 41 41 ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਲਿਪਾਂਕ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਟੋਟਲ ਲਿਪਾਂਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੈ 56 ਵੀ ਲਿਖਣ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਿੰਨ ਹੈਗੇ ਕੁੱਲ ਧੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ 41 ਹੁਣ ਇਹ 41 ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਸਵਰ वाहक स्वरवाहक कह लो या इन्हों कह लो मूल स्वर ए अपने को साथियों तीन है किन्ने तीन केड़े केड़े उड़ा आड़ा ते एड़ी उड़ा आड़ा ते एड़ी उस तो बाद आती है गल जिन्होंने आप कह दें शुद्ध व्यंजन शुद्ध व्यंजन ए अपने को साथियों 29 कितों सस्ते तो लैके अड़ाड़े तक जे एक प्रश्न आता है कि व्यंजन किन्ने हैं तो व्यंजन हैं साथियों 32 व्यंजन किन्ने आधुनिक वर्णमाला दे विच कुल व्यंजन किन्ने 38 व्यंजन किन्ने 32 लेकिन शुद्ध व्यंजन किन्ने 29 उस तो बाद आउंदे साथियों इहदे विच जिहनूं कहिंदे आपां अर्ध स्वर अर्ध स्वर अपने कोल साथी किन्ने है 2 ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਯਈਆ ਤੇ ਵਾਵਾ ਇਹ ਦੋ ਅਰਧ ਸਵਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਥੀਓ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਰ ਯੰਤਰੀ ਕਿਹੜਾ ਸੁਰ ਯੰਤਰੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਥੀਓ ਹਾਹਾ ਕਿਹੜਾ ਹਾਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਥੀਓ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਫਾਰਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸੱਚੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 6 ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਖੱਖੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੱਗੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੱਜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਫੱਫੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ 6 ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਜੇ ਇਹ ਐ ਪੁੱਛ ਲੈ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹ 6 ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪਰਸਨ ਕੱਲਾ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਅਗਲਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਖੱਖੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਗੱਗੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਜੱਜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਫੱਫੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਲੇ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 5 ਸੀ ਹੁਣ ਸੰਖਿਓ ਸਾਥੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ 3 3 32 32 ਤੇ 2 34 34 ਤੇ 35 35 ਤੇ 6 41 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 41 ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ 41 41 ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛ ਲਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 41 ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸਵਰ ਵਾਕ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਅਰਧ ਸਵਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੁਰ ਯੰਤਰੀ 1 ਹੈਗਾ ਫਾਰਸੀ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹਨ 6 ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਬੜੀ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹ
क्रमवार सारे वीडियो देखना, ठीक है ना। भी ऐ विचारे चलो टुकड़े ना करन, चंगी तैयारी करन, शुरू तो लेके अंत तक प्लेलिस्ट च जाके उन्हां वीडियो नूं देखन ते चंगी तैयारी करन। अज दा इह ना टॉपिक, उस समय तक अगला वीडियो लेके फिर हाजिर होंगे। सत श्री अकाल, जय हिंद।